क्या हाल है? बढ़िया। क्या आज का टॉपिक है कबूतर का पॉट जाम हो जाए उसके लिए क्या करें। उसके लिए आपको करना होगा 20 दाने साबुत धनिया। देखो भाई, धनिया है ये, अब ऐसे तो देखने का नहीं। और 20 दाने लेने हैं सौंफ के, और 10 दाने अनारदाना। इन तीनों को खोट के और पीस के आधा गिलास पानी में उबाल के और 10 ml देना है कबूतर को शाम को एक बार, ठीक है? और थोड़ा गुड़ दे दीजिए। ये काम करना है आपको दो दिन लगातार दे दो। अगर कितना भी पोट जाम हो आपके कबूतर का, बच्चे का बिल्कुल फिट हो जाएगा 2 दिन में। और अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम सभी बीमारियों की वीडियो बनाएंगे और जो सही है वही बताएंगे, ठीक है? और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, ग्रो करने में हमारी मदद करो। और अगली वीडियो जो बनाने वाले हम, उसका टॉपिक होगा जो कबूतर कच्चे अंडे कबूतरी कच्चे अंडे रखती है उसके लिए, ठीक है? कमेंट करो जिस भी बीमारी को आपको चाहिए उस पर ही कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उस पर ही हम वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। किसी भी नुस्खा परवाह जो भी चाहिए हमें सपोर्ट करो और हम आपको वीडियो देंगे बनाकर, ठीक है भाई? कबूतरों की बीमारी हो, डीवर्निंग वगैरह, या ठंडा पानी जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा। हमें कमेंट करो और उसके बाद हम आपको वीडियो शो करेंगे। आँखों की बीमारी हुई जैसे कबूतरों की, भाई सोके का इलाज हुआ, किसी भी तरह की भी कोई भी हुई, मैं आपको अपने कबूतर दिखाऊंगा, देखना बिल्कुल फिट फोर है भाई, ठीक है? मैं लियाज रखता हूँ भाई, दवा रखता हूँ अपने पास हमेशा, जब भी कोई कमी दिखती है कबूतर में एकदम से दवा लगा देता हूँ और कबूतर फिट, ठीक है भाई? गुड नाइट।